अपनी विचार शक्ति को स्वस्थ और कार्यशील रखने के लिए प्रतिदिन लॉजिकली एक पजल सॉल्व करें, 10 मिनट का वक्त दें। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक ग्रिड 4 square into 4 square का। टोटल कितने स्क्वायर है? 16, 16 इक्वल स्क्वायर्स। इन 16 स्क्वायर्स में 1 से लेकर 16 तक के नंबर्स रखने हैं। किस तरह से रखने हैं? इस तरह से रखने हैं कि किसी भी रो के 4 नंबर को, किसी भी कॉलम के 4 नंबर को और किसी भी डायगोनल के 4 नंबर्स को हम जोड़े तो हमें सम मिले 34, 34। शुरू करने के लिए 6 नंबर्स प्लेस किए गए हैं, 3, 13, 5, 11, 4 और 15। बाकी नंबर्स आपने भरने हैं। इस तरह की पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? जो भी एम्प्टी स्क्वायर्स हैं उनका नाम दे देना चाहिए। यहाँ पर 16 स्क्वायर्स में 6 स्क्वायर्स में डिजिट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। हमें 10 स्क्वायर में डिजिट्स रखने हैं। एम्प्टी ब्लॉक्स को नाम दे दें, ए से लेकर के जे तक का। मैंने दिए, आप देख सकते हैं। इससे होगा क्या? हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकेंगे पजल को और हर स्टेप को प्रॉपरली डिफाइन भी कर सकेंगे, एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उन नंबर्स को ढूंढेंगे जिनको हम सर्टेनिटी से पा सकते हैं। यदि आप देखें तो एक डायगोनल में एफ है, उस डायगोनल के 3 नंबर्स दिए गए हैं, सिर्फ एफ नहीं है। एफ को हम सर्टेनिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ विल बी इक्वल टू 34 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 13 इक्वल्स टू 6। हमने एफ का वैल्यू डाल दिया। दूसरे स्टेप पर आते हैं, सी को भी हम सर्टेनिटी से पता कर सकते हैं। सी विल बी इक्वल टू 34 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 15 10। सी का वैल्यू भी हमने डाला। तीसरा स्टेप, इसी तरह से डी का वैल्यू भी हम सर्टेनिटी से हासिल कर सकते हैं। डी विल बी इक्वल टू 34 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 11 8। डी का वैल्यू भी हमने डाला। अब किसी भी लेटर का वैल्यू हम सर्टेनिटी से हासिल नहीं कर सकते। क्या करना होगा? एक रो एक कॉलम या एक रो एक डायगोनल, एक कॉलम एक डायगोनल, इस तरह के कॉम्बिनेशन हमने कंसीडर करने पड़ेंगे। कोशिश करते हैं जे का मूल्य निकालने के लिए। 4 प्लस 15 प्लस आई प्लस जे इक्वल्स टू 34, आई प्लस जे इक्वल्स टू 15, 15 इक्वल्स टू 1 प्लस 14। यही पॉसिबिलिटी है रिमेनिंग नंबर्स को लेकर के। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 13 प्लस 8 प्लस एच प्लस जे इक्वल्स टू 34, एच प्लस जे इक्वल्स टू 13। एक पॉसिबिलिटी मिलती है 13 इक्वल्स टू 1 प्लस 12, क्योंकि रिमेनिंग नंबर्स लेने हैं, जो नंबर ऑलरेडी यूज हो गए उनको लेना नहीं है। यहां पर हमें 3 वैल्यूज मिल जाते हैं। जे इक्वल्स टू 1 दोनों इक्वेशन में कॉमन है। नेचुरली इफ जे इक्वल्स टू 1 देन आई विल बी इक्वल टू 14 एंड एच विल बी इक्वल टू 12। जे आई और एच के मूल्य हमने बैठाए। आगे बढ़ते हैं पांचवा स्टेप। अभी भी किसी लेटर का वैल्यू हम सर्टेनिटी से हासिल नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, ए प्लस 3 प्लस बी प्लस 13 इक्वल्स टू 34, ए प्लस बी इक्वल्स टू 18। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 2 प्लस 16। एक ही पॉसिबिलिटी है रिमेनिंग नंबर्स को यूज करके। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, ए प्लस 5 प्लस ई प्लस 4 इक्वल्स टू 34। ए प्लस ई का मूल्य मिलता है ए प्लस ई इक्वल्स टू 25, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16,
अगेन एक ही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों में कॉमन है, 16 दोनों इक्वेशन में कॉमन है, इसलिए ए विल बी इक्वल टू 16, बी विल बी इक्वल टू 2 एंड ई विल बी इक्वल टू 9। ए बी और ई के मूल्य हमने बैठाए, अब सिर्फ एक स्क्वायर बचता है, जी। जी विल बी इक्वल टू 34 माइनस 2 माइनस 11 माइनस 14 इक्वल्स टू 7। जी का मूल्य भी हमने बैठाया, आंसर मिल गया। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी एनालिटिकल एबिलिटी का विकास होगा। मैं यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप जितनी भी पजल आगे देखेंगे वीडियो को रोक दीजिए, अपने से सॉल्व कीजिए, प्रोसेस और आंसर कंपेयर कीजिए, रादर प्रोसेस कंपेयर कीजिए, प्रोसेस सीखना है। इसी तरह अलग अलग कुशलताओं का विकास करते हुए 501 पजल की इस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में अवश्य मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।